दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। साथ में जो जिस भर्ती का आपको इंतजार था, भर्ती वो आ चुकी एडेड कॉलेज के अंतर्गत, है ना। जितने भी आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो एसएससी की सहायता प्राप्त जो इंटर कॉलेज होते हैं, वहाँ पे क्लास फोर्थ की जो है चपरासी की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। और यहाँ पे 30 दिसंबर 2023 इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है। यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे रायबरेली, बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमारे जनपद से जो है रायबरेली से भर्ती नहीं आई है, तो मैं उनको दिखाना चाहूँगा रायबरेली से भर्ती आ चुकी है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है। ये आपका फोर्थ क्लास कौन सी होती है, ग्रुप डी की नौकरी होती है और एसएससी की सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में भर्ती आ चुकी है। यहाँ पे 30 दिसंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है। और नीचे आएंगे यहाँ पर जो है ये आपका सीतापुर का नाम आप सुना ही होंगे, तो सीतापुर से भी जो है आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती आ चुकी है। तो आप शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। 30 दिसंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है ये। और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अलीगढ़ जनपद का नाम आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होंगे, चपरासी, चौकीदार और आपका सफाई कर्मचारी, है ना। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर चौकीदार, सफाई कर्मचारी और जो है ये आपका जो चपरासी और चौकीदार और सफाई कर्मचारी, इन तीनों पदों पर जो है ये भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका अलीगढ़ जनपद से, ठीक है। ये चौथी बार विज्ञापन निकाला गया, 3 बार और निकल चुके हैं और लड़कों को ज्वाइनिंग लेटर मिल भी गया है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो है ये वहीं पर, उससे पहला मैं आपको दिखाना चाहूँगा एटा का नाम आपने सुना ही होगा। यहाँ पे एटा का पेठा बहुत फेमस है ना, एटा का लपेटा भी बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास फोर्थ की नौकरी है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो एसएससी की सहायता प्राप्त जो इंटर कॉलेज हैं, तो यहाँ 26 दिसंबर इसमें आवेदन अंतिम तिथि है और माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती आ चुकी है एटा से। लगभग सभी जनपद से भर्ती आ चुकी है। आपका हाथरस का नाम आपने सुना ही होगा, तो हाथरस से भी आपका जो है चपरासी भर्ती आ चुकी है, ठीक है। सैलरी की बात करेंगे तो 11,000 रुपये सैलरी सबको इसमें दी जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ 11,000 रुपये सैलरी इसमें जो है ये तो कर दी गई है। आपने कहा क्लास फोर्थ की नौकरी है, 26 दिसंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है ये। और आसास की सहायता प्राप्त जो इंटर कॉलेज है वहाँ पर भर्ती आ चुकी है। साथ में जो इकट्ठी भर्ती आपको आ चुकी है, यहाँ पर देखिए पद का नाम क्या है, प्योन है ये। और डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर दिया हुआ माध्यमिक शिक्षा विभाग है। 27 दिसंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि, अभी आपके पास टाइम है, 2 दिन का टाइम है। अभी आज 25 तारीख हुई है और लुप्तियों की संख्या कितनी है आपकी, 603 है, ठीक है। 603 पदों पर जो है ये भर्ती निकाली गई है। अब कहाँ कहाँ से निकाली गई इसमें भी देख लीजिए। यहाँ पे जो आपका ये जो है प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाकी सभी जनपद से भर्ती आ चुकी है। एक आध जनपद रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो लगभग सभी जनपद से आपके जो है ये प्योन भर्ती आ चुकी है। लड़के बार बार कमेंट कर रहे हैं सर कहाँ कहाँ से प्रताप, देखो यहाँ पर एक बार मैं पुनः आपको दिखाना चाहूँगा, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, है ना। और सैलरी आपको कितना मिलेगा, 11,078 रुपये सैलरी। 27 दिसंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है ना, तो प्लीज़ ये वाला फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पर जो है ये इसमें अलग अलग वैकेंसी निकालेंगे, सुपर की अलग है इसके अंतर्गत ये, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर आएंगे तो ऊपर यहाँ पर जो है प्योन भर्ती अलग है ये, है ना। और आपने देखा जब इंटर कॉलेज के जो देख रेख के लिए जो वॉचमैन की आवश्यकता पड़ती है, तो वॉचमैन की भर्ती यहाँ पर जो है ये चौकीदार की भर्ती अलग अलग निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 27 दिसंबर है। फॉर्म कैसे भरना, सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना और वहीं जाकर यहाँ फॉर्म आप ये जो है भर सकते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, यहाँ पर लिखा गया इसमें जो है कांस्टेबल भर्ती का जो विज्ञापन की डेट जो है वो 14 फरवरी कर दी गई है, ठीक है। तो मैंने जो दिखाया बिल्कुल देखो, जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ देता हूँ, मैं फर्जी न्यूज़ में देता नहीं हूँ, आपको सबको पता ही है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक रहती है। मैंने इसमें आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कांस्टेबल भर्ती में आवेदन अब जो है 14 फरवरी तक, ये वाला मैंने आपको दिखाया था हेडलाइट जो है, तो आपकी हेडलाइन जो है ये वाले दिखाई दी, ठीक है मैंने। और दिखाने के बाद इसमें देख लीजिए यहाँ पे जो है ये कांस्टेबल भर्ती जो है चाहे किसी भी प्रदेश से हो, उससे मतलब नहीं है, जो मैं हेडलाइन दिखाता हूँ वही दिखाता हूँ, 14 फरवरी 2024 इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है ना। और यहाँ पर पूरा ये पूरा जो वो लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, 2 पत्रों में होगी, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ, ठीक है। ये वाला फॉर्म आप ये जो है भर सकते हैं। आप यूपी का भी भरिए, उत्तर प्रदेश का आ चुकी हैं 60,000 पदों पर भर्ती हैं, साथ में जो उत्तर ये झारखंड का भी भर दीजिएगा, ठीक है। इसमें भी जो है अदर स्टेट का कोटा, इसमें जो है 5% कोटा रहता है इसमें। जैसा कि आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ चुकी है अंबेडकर नगर का, आपने सुना ही होगा ना अंबेडकर नगर, तो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो होते हैं वहाँ पर सही पदों पर भर्ती आ चुकी है। भर्ती जो निकाली गई है वो कौन कौन से पद पर है, ये आपका शिक्षिका हो गई, अंशकालीन शिक्षिका होगी, लेखाकार हो गए, सहायक रसोईया हो गए, चौकीदार, चपरासी, आपको सफाई कर्मचारी। और जो है 6 जनवरी 2024 इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है, 5 बजे तक ज़्यादा फॉर्म आप ये जो है भर सकते हैं। बहुत से कहेंगे भैया फॉर्म कहाँ से भरना हमको, तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके ज़्यादा फॉर्म आप ये जो भर सकते हैं, क्योंकि इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने इसको डाउनलोड किया है ये, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर www.ambedkarnagar.nic.in पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जनपद अंबेडकर नगर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में जो चयन हेतु आवेदन पत्र, इस तरीके का आवेदन पत्र आपको जो है वो टाइप करा कर भेज देना, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर जो है डेट याद रखना 6 जनवरी 2024।
तो हम यहाँ पे दिखाने जाऊँगा, यहाँ पर जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत 3 साल की छूट के लिए जो है जयंत चौधरी का नाम आपने सुना ही होगा, सांसद जो है ये जो राज्यसभा सांसद आई हैं, तो यहाँ पर राज्यसभा के सांसद ने यहाँ पर जो है लेटर लिखा हुआ सर ने, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को जो है पत्र लिखा यूपी पुलिस के अंतर्गत, और ये लेटर बहुत वायरल हो रहा है, 24 दिसंबर 2023 का लेटर है ये जो है इस समय। तो उन्होंने जो रिक्वेस्ट करी है कि हाँ मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी है कि 18 से 22 तक इसकी जो है वो कम से कम साल से अभी भर्ती नहीं आई है, 2018 से भर्ती नहीं हुई है, तो प्लीज़ इसकी डेट बढ़ा दीजिएगा, 3 साल कर दीजिए, इससे युवाओं को जो है मौका मिल सके। वहीं पे हमारे जो पूर्व जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, इन्होंने भी कहा है कि जो है आखिरकार जो है इसमें कि बेरोजगार बहुत परेशान है ना, सालों से भर्ती नहीं निकली है, COVID-19 के चक्कर में जो है 3-4 साल की छूट तो कम से कम इसमें देना चाहिए। सही बात है, यहाँ पर जो है ये बड़े बड़े मंत्री भी कह रहे हैं, यहाँ पे जो है ये मंत्री जी ने भी कहा कोरोना काल में जो है 5 साल ऐसे निकल गए पर अभी तक भर्ती नहीं आई थी जो है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं मंत्री जी हैं ये, यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री, इन्होंने भी कहा कि हाँ बहुत जल्द जो इसमें संशोधन करके जो 3 साल की छूट इसमें दी जाएगी सभी को। और यहाँ पे बताया गया कि 9 विषयों का जो परीक्षाफल घोषित कर दिया गया, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। बात करेंगे आप 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों ने घेरा जो जल शक्ति मंत्री जी का आवाज, उन्होंने कहा कि घपले में सारी भर्तियां घपले से हुई थी, इसको रद्द करके जो है दोबारा भर्ती की जाए, और साथ में जो 6,800 पदों पर जो आरक्षित जो अभ्यर्थी हैं उनको भी जो है ज्वाइनिंग इसमें दी जाए। इसके बारे में मैंने सुबह के वीडियो में आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो है भर्ती परीक्षा में पेपर आउट का आरोप है, किया चक्का जाम। बात कहाँ से हो रही है, आपने EMRS एकलव्य जो मॉडल स्कूल होते हैं वहाँ पर जो है वो पेपर आउट हो गया था, यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इस तरीके से पूरे प्रशासन ने यहाँ पर जो है रद्द करने की यहाँ पर सूचना बनाई है। तो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ थंबनेल में लिखा था यह जो है क्लर्क भर्ती की परीक्षा जो है आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो है वो कब से होगी, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो है, तो आपकी जो क्लर्क भर्ती की परीक्षा जो है वो अभी 11 जनवरी 2024 को कराई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं SBI के जो है इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये SBI की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इंटर कॉलेज क्लर्क भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 11 जनवरी की डेट यहाँ पे बता दी गई है, और यहाँ पे जो है ये इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 11 जनवरी 2024 को जो क्लर्क परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा में क्या क्या आएगा तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है ये। और इनकम टैक्स फार्म में जो सभी बैंकों के खातों का इसमें किया खुलासा, ITR में 1 या 2 कॉलम बढ़ा दिए गए हैं, पूरा डाटा के बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है दी हुई है ITR के बारे में, ठीक है। 1 और 2 कॉलम 1 और 4 नंबर कॉलम बढ़ा दिया गया है इसमें। थंबनेल में लिखा हुआ बिना पैट के होगी सीधी भर्ती, यहाँ पे लिखा हुआ भाई ने कमेंट किया हुआ, भाई साहब मेरी मुलाकात एलिट इंटर कॉलेज में बाबू, भर्ती केवल CCC के आधार पर होगी, पैट का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि पैट तो है UP SSC से होती है, उसमें केवल लगता है, प्रबंधक ही करेंगे, कृपया अधिकारियों की जानकारी करें, क्योंकि आपकी बात तो बड़े बड़े अधिकारियों से होती रहती है, और एडिट माध्यमिक विद्यालयों में भर्तियाँ चल रही हैं इसमें, मेरे को पता है भाई। तो उन्होंने कहना है कि जिस तरीके से डिग्री कॉलेज के अंतर्गत जो है ये लिपिक भर्ती बिना पैट के सीधी भर्ती हो रही है ना, और यहाँ पर जो है ये CCC के आधार पर हो रही है, उसी तरीके से होना चाहिए, पैट नहीं होना चाहिए, तो सही बात है, इस तरीके से होना भी चाहिए, पर इस तरीके से जो है ये भर्ती हो नहीं रही है। पर हाँ आने वाले समय में अगर सरकार चाहेगी तो ऐसे कर सकती भर्ती। और सभी भाइयों ने मेरे ऊपर जो कमेंट किया हुआ था मेरे बर्थडे पे, क्योंकि बर्थडे है, मैंने सबका रिप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को धन्यवाद, और जय हिंद, वंदे मातरम।